तो देख सकते हो इधर मैं ड्राइंग करता हूँ, तो इधर मैजिक से ऐसे चुटकी मार के मैं अपना जो ड्राइंग है उसको ले आऊँगा। तो 1 2 3 देखो आ गया। तो ये वाला वो जो कॉम्पोजिशन है, देखो लाइट ठीक कर देता हूँ, ये वाला जो कॉम्पोजिशन है, ये वाला कॉम्पोजिशन किया मैंने। और इसमें जो लाइट एंड डार्क है, जो वाला पार्ट है आप लोग देख सकते हो, जो ये वाला ये फिगर है काफ वाला, और जो ये काफ फिगर है ये वाला भी, और ये जो मेन तीनों ही मेन है, एक ही नहीं कि जो तीनों मेन नहीं है, तीनों फिगर मेन है, पर इसमें ज़्यादा नज़र जाता है इस वाले में और इस वाले में। और मैं अगर डिस्क्राइब कर दूँ तो आप लोगों के लिए, देखो इधर एक चीज़ कॉमन है, जो पिक्चर में जिस पिक्चर से मैं किया ये वाला उसमें ये वाला नहीं था, तो मैंने ऐड किया। और आप लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि देखो जब एक ऐसी कलर टोन आता है, और इन जो जगहों में मैंने दिया है, इधर एक दिया है और इधर थोड़ा दिया है, तो इधर है ये देख सकते हो, और इधर जो कलर को बैलेंस करता है, ये बहुत ज़रूरी है कलर बैलेंस होना। तो ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा सही से कि कैसे कलर बैलेंस करे। और जो ए वाला पार्ट देख रहे हो, ए वाला पार्ट में देखो, थोड़ा जो लाइट डार्क है ये वाला एकदम सही से निकाला हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा टोन नहीं है इसमें। और यही वो वर्क है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, यही वर्क में मैंने जितना इतने टाइम में भी जितना मैंने वर्क किया, जो भी आपने मेरा प्रीवियस वीडियो में देखा, और बहुत सी वर्क है मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया इस वाले चैनल पे, तो वो बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जब मेरा होल ड्राइंग, जो मेरा ड्राइंग है उनको जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगा, वो वाला सब दिखा दूँगा तब, ठीक है। और भी जितना मेरा वर्क है, प्रीवियस वर्क है, और पेंसिल का वर्क है, और रैपिड वाला भी, और नया सीज़न जो आने वाला वो है रैपिड स्केच, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके समझा सकूँ कि रैपिड स्केच कैसा होता है, और रैपिड स्केच से ये जो फिगर होता है, ये जो कार्व फिगर होता है, ये वाला फिगर होता है, नॉर्मल कोई भी फिगर अगर कॉम्पोजिशन ड्राइंग होगा या फिर कोई भी अलग जो भी ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग में रैपिड स्केच और पेंसिल का क्या महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आने वाली जो वीडियो आता है उनमें बताऊँगा। और इस वाले में है कि इधर देखो, ये जो टोन है, आप लोगों को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा तो आप देख सकोगे, ये जो ए वाला जो टोन है, ए वाला इधर है और एक टोन इधर है, देखो जो मॉइस्चराइज जो जैसा एक टोन है, जो ये देखो इस ए वाला टोन के लिए आप क्या करोगे, जो इधर ब्लैक है वाइट है, इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंच अल्टरमेन जो ब्लू होता है वो वाला ब्लू है, और ये देखो इधर सिर्फ एक ही टोन है, एक टोन इधर दिया ऐसे देखे ऐसे उतर दिया, ठीक है, और एक डार्क टोन इधर दे दिया, जिसके वजह से ये वाला जो होता है वो क्लियर हो गया। और आप लोगों को दिखा सकता हूँ, और दिख ले, वेट वेट, ये वाला देखो इधर भी ज़्यादा टोन नहीं है, एक फर्स्ट टोन जो दिया पीएस वाला, जो जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि फर्स्ट टोन सेकेंड टोन एंड थर्ड टोन, ये तीन टोन में आप लोगों को पूरा काम कंप्लीट करना चाहिए। तो पहले फर्स्ट टोन था इधर, ठीक है, इसमें भी फ्रेंच अल्टरमेन दिया मैंने, और उसके बाद जाके उसके साथ स्कारलेट लेक है, और उसके साथ थोड़ा सा ब्रांसन है, और पुशन ब्लू है जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उससे, और जो जब मैंने फ्रेंच अल्टरमेन दिया उसके वजह से ये वाला जो टोन आया, इधर भी टोन आया, देखो ये वाला जो 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 ये वाला होता है ना पानी की वजह से होता है, ऐसा वाला टोन उसके वजह से आया है। और ये तो रहा एक कॉम्पोजिशन, चाहो तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ये वाला अच्छा है, बताऊंगा इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इस कॉम्पोजिशन के साथ क्या हुआ और क्या इसका स्टोरी है। और आप लोगों को और एक दिखाने वाला हूँ, वो है ये वाला कॉम्पोजिशन जब मैंने किया, ये भी मेरा एग्ज़ाम के दौर, जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, उसके टाइम पे मैंने ये वाला कंपोजिशन किया। और वो वाला अगले वाला जो कंपोजिशन था, वो कंपोजिशन था वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे तो क्या है ये वाला, अगर मैं अगर डिस्क्राइब करूँ कुछ भी नहीं, इसमें मेरा एक गलती है कि इधर जो वाला पोजिशन है, इधर पोजिशन में रास्ता है, इधर एक रोड है, तो रोड मैंने सही से नहीं दिखा पाया, तो मेरा फॉल्ट है, और क्या बताऊँ।
और टाइम भी नहीं था, तो जितना हुआ ये वही यही था, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। और ये जो इधर भी देख सकते हो, इधर इस जो वर्क था और उस अगले वाले वर्क में था, ये दोनों वर्क क्या बोलते हो आप लोग, अगर मेरा वीडियो जो लोग रेगुलरली देखता है उन लोगों को पता होगा, इन दोनों जो वर्क था सबसे इन इतने टाइम से मैं जितना भी वर्क किया उन लोग उतना टाइम के अंदर सबसे बेस्ट वाला वर्क था। और आई होप आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा ड्राइंग आप लोगों के लिए मैं ले सकता हूँ और ला भी सकता हूँ, तो मेरे लिए दुआ करना। और इधर क्या बताऊँ, इधर एक काम किया, ये वाला डिस्क्राइब करता हूँ आप लोगों को पहले। ये जो जग होता है सिल्वर का नहीं होता है, स्टील का होता है, इसमें थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दिया, थोड़ा सा ब्लू, कौन सी वाला ब्लू, कोबाल्ट था और क्वेश्चन ब्लू थोड़ा सा ऐड किया, जिससे इसमें रियलिस्टिक वाला लुक आया। रुक जाओ, जूम कर देता हूँ, इसमें रियलिस्टिक वाला लुक आया। और एक बंदर है, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम वाटर कलर किया तो ये बंदर तो नहीं लग रहा है, पर ऐसे ही सब्जेक्ट में ऐसा ही था, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं, क्या लग रहा है आप लोग ही बताना कमेंट में, तो मुझे तो पता है कि ये नहीं हुआ। तो मैंने मेरा पूरा कोशिश किया। और ये वाला टोन देख सकते हो, इधर दो ही टोन है, इधर थर्ड टोन नहीं दिया मैंने। ये जो फर्स्ट टोन था, एक सेकेंड टोन ए वाला दिया और थर्ड टोन ए वाला डार्क वाला, इसके साथ स्कारलेट लेक ब्रांच है ना, और इसके साथ पुशन ब्लू है। और इधर एक ही टोन दिया, एक टोन ए वाला बेस टोन जो होता है, फर्स्ट टोन कहता है उसको, और एक सेकेंड टोन ए वाला जो थोड़ा सा उससे डार्क होता है। इधर भी सेम वैसा किया, इधर भी तीन टोन है, तो और इनके सिरों में भी वैसे ही दो टोन है। और इसके पैंट में अगर जो ये जो गीला गीला जो एक टेक्सचर आया है, इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पहले ए जो है ना, इसके साथ पुशन ब्लू के साथ व्हाइट मिसाना और उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंच अल्टरमेंट मिसा के फर्स्ट टोन कंप्लीट करना, उसके बाद जाके फ्रेंच अल्टरमेंट के साथ स्कारलेट लेक फ्रेंच अल्टरमेंट जो ब्लू होता है, पहले और एक बार बोल रहा हूँ, फ्रेंच अल्टरमेंट जो ब्लू होता है उसके साथ स्कारलेट लेक अगर आप लोग मिसाओगे, और उसके बाद मिक्स करने के बाद पीछे जब ए वाला जब सेकेंड टोन दोगे, थोड़ा सा डार्क करना, आपके पेपर के वाइज लेना, ठीक है। मेरा ये वाला पेपर थोड़ा सा अच्छा है, 20-250 GSM का है, ठीक है, तो इसमें टेक्सचर आता है, पकड़ लेता है, जितना भी हो सकता है पकड़ लेता है। तो ये वाला, इसलिए ये वाला टोन जो इधर है, ये वाला इधर काम किया उतना अच्छा। तो आप लोग जो टोन जो जैसे पेपर यूज़ करता हूँ करते हो, वैसे पेपर के वैसे ही कलर लेना और कलर के वाइज पानी भी लेना, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक और एक जो सेकंड वाला था ये कम्प्लीटली, और एक लास्ट वाला दिखाऊंगा, वो उतना अच्छा नहीं है, पर वो लाइव स्केच है, वो है ये वाला, ये मेरा लाइव ड्राइंग था, ठीक है, मेरा हैंड का स्टडी था, ये असल में उल्टा हुआ ये वाला अच्छा। तो ये ग्राफाइट पेंसिल से किया हुआ है, 8 लाइन का 10B, इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चारों तरफ लाइट लगा हुआ है ना, इसलिए उतना अच्छा क्लियरली नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा टोन दिख रहा होगा आप लोगों को, बस यही था। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और शेयर कर देना। और ये मेरा पहला, जब मैंने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में ट्राई किया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये वो वाला वर्क है, ये पूरा का पूरा 1 से 1.5 साल पुराना है, तो ये भी आप लोगों को दिखा दिया। थैंक यू, सपोर्ट कर देना, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।